उपलब्धियों को सजाना और संवारना चाहता है। इसी क्रम में आज वैदिक एंड अबेकस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स का भी लॉन्च यहां से किया जा रहा है और इस संदर्भ में हमारे जो पार्टनर्स हैं वो आपके सामने कुछ डेमो देंगे। तो इसी क्रम में अबेकस और वैदिक हम लॉन्च करने जा रहे हैं और तीन डिस्ट्रिक्ट जिसको हमने चयन किया है, नॉर्थ ईस्ट 2, साउथ ईस्ट और वेस्ट ए। तो ये एक जस्ट डेमो था जो ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर है कि बच्चे किस तरह से कितने जल्दी कैलकुलेशन अपने नोक पे, हाथ के नोक पे करेंगे। तो दैट्स गुड आइडिया और थैंक यू अवर दी डी सर कि उन्होंने थाम लिया था कि हमें करना ही है और हमने शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट। ओके सर, जस्ट बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चूंकि बहुत हमारा शेड्यूल बड़ा पैक है, हमारे कुछ और साथी जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे, एल्सन टेक्नोलॉजी के मेरे पार्टनर साथियों से मेरा अनुरोध और बस उनसे अनुरोध, कुल 3 मिनट का समय हम दे पा रहे हैं सर। उम्मीद है 3 मिनट में आप बेहतरीन अपना प्रस्तुति देंगे। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि हमने टाइम काटा है तो तालियां तेज होनी चाहिए इनके लिए। थैंक यू जी सर, फॉर योर डेमो। गुड आफ्टरनून टू ऑल नेशन बिल्डर्स। 3 मिनट्स इज वेरी लेस बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट माई सेल्फ इन दैट ड्यूरेशन। अक्सर मेरे दो सवाल होते थे कि जब एक डॉक्टर सेम मेडिसिन अपने सारे पेशेंट्स को नहीं दे सकता तो एक क्लास में अगर 30-40 बच्चे बैठे हैं तो एक टीचर सेम तरीके से सबको पढ़ा रहा है तो डू यू थिंक कि आउटपुट आएगा? दूसरा सवाल मेरे माइंड में हमेशा रहता था कि हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट होता है, टीचर जो होता है वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टूडेंट हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो। हाउ? जस्ट ट्राई टू थिंक, वी हैव अ टीचर हु इज एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट बट वी वॉन्ट यू स्टूडेंट टू बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। अब हम ऐसा क्या करें? अब हम हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली तो पढ़ा नहीं सकते, अब ऐसा क्या करें, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या चेंज करें कि चीज सिंपल हो जाए ताकि सबको समझ में आए। स्टूडेंट, हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है लेकिन उसको समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, कुछ विजुअल लर्नर होते हैं, तो हम उस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज को यूज करें तो ही हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट को समझ में आएगा। क्लास में तो किसी के फुल मार्क्स भी आ रहे हैं लेकिन कुछ के नहीं आ रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सबके आने चाहिए। ये टीचर्स आर ऑल कैपेबल बट वी नीड टू हैव अ स्मॉल चेंज इन आवर मेथोडोलॉजी। अब हम अपने वैदिक मैथमेटिक्स में ट्रेनिंग तो हम हमेशा देते हैं, ट्रेनिंग आपने भी कितनी अटेंड की होगी अपनी लाइफ में। मैं सर थोड़ा रोकूंगा आपको, जस्ट वी हैव टू शो द डेमो ऑफ द स्टूडेंट बिकॉज वी हैव द टाइम कंस्ट्रेंट्स, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू। श्योर सर, ठीक है। अच्छा, बच्चे के लिए मैं डेमो मैं शुरू कर देता हूँ। अच्छा, आप मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिविजन, यस। जस्ट आई आस्क वन क्वेश्चन टू यू, 6 divided by 7, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। 5 remainder. ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, विद इन अ सेकंड। दीपक सर, लेट्स हैव अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस। और जरिंताज मैडम, एक क्वेश्चन आप भी पूछ सकते हैं डेमो तौर पे। कोई भी पूछिए, जो डिवाइड बच्चे डिवाइड कर पा रहे, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन है। यस मैम, 346 डिवाइडेड बाय 8, 43 क्वेश्चन 2 रिमाइंडर। गुड, ब्लैक क्लैपिंग टू द स्टूडेंट और थैंक यू, एंड सच अ क्विक आंसर। एंड जस्ट वी वांट फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट
to learn this abacus and Vedic math for quick response. So, अभी तो ये डेमो था और मैं चाहूंगा कि अलसन और रविंद्रा जी ने जो भी डेमो दिया है एबेकस वैदिक का काबिले तारीफ है, उनके लिए क्लैपिंग जोरदार होनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. एंड लास्ट जो हमारा मोमेंट है ज्योग्राफी लैब का, बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों के लिए. हम जोरदार तालियों से इनका आभार व्यक्त करें और अभी इन्होंने सीखना शुरू किया है. बहुत बहुत धन्यवाद. और हमें आशा और उम्मीद इस कदम से हम गणित में अपने बच्चों की समझ को और प्रभावी कर पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. शिक्षा निदेशालय का